आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सतघटना के नए अंक के साथ मैं सौम्या दीक्षित। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने आज कोरोना वैक्सीन के लिए पहली डोज। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना देंगे शिक्षक। गगहा हत्याकांड में जबरिया फंसाए जाने का मुख्यमंत्री से की गई शिकायत। संतकबीरनगर जनपद में आम आदमी पार्टी ने 29 प्रत्याशियों की जारी की सूची। और गोरखपुर में सपाइयों ने मनाई महर्षि कश्यप व महाराज निषादराज गुहा की जयंती। अब सत घटना विस्तार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान में तेजी चल रहा है और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इसी क्रम में उनके गृह जनपद में भी जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल सहित कई बूथों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। अगर जिला अस्पताल की बात करें तो यहां सुबह से ही टीका लगवाने वालों की लंबी कतारें लग रही हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में भी पीछे नहीं रहे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर अपने को लाइन में आगे बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों को, कोरोना का बीमारी से काफी फैल रहा है? सभी लोग लगाएं, बहुत अच्छा होगा, सबके लिए फायदा है, इसलिए सबको लगाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मरीज बढ़ रहे हैं, मास्क लोग नहीं पहन के चल रहे हैं? नहीं, सभी को यही करना चाहिए, मास्क तो लगाना ही चाहिए। आए थे पाला वैक्सीन लगवाने के लिए, आज अस्पताल था। हाँ हाँ, हो गई। कहेंगे कि सबको लगाना चाहिए, आजकल देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा इतना एक सप्ताह में मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब लोगों को जागरूक होना चाहिए। इस संदर्भ में जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अगर ऐसा हो रहा है और लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सबको इसकी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेरे द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पहले जो COVID-19 का प्रोटोकॉल है उसके तहत ट्रायज, स्क्रीनिंग, वेटिंग एंड देन रजिस्ट्रेशन, ये फार्मूला लागू किया गया है। इसके तहत हमें बहुत मरीज सुबह 7 स्क्रीनिंग में ही एक पॉजिटिव मिल गया, एंटीजन पॉजिटिव मिल गया है। यहाँ पर होने के बाद ही उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जा रहा है। इस तरह से प्रत्येक स्तर पर हम लोग कोविड पॉजिटिव मरीजों की स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इसके लिए हमारे IC चल रहे हैं, बीच बीच में सभी लोग जाके गार्ड है, बीच बीच में कहते रहते हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत अधिक है और OPD का स्थान यहाँ पर बहुत छोटा है, और इसमें हमारी तरफ से अथक प्रयास किया जा रहा है। हमारे स्टाफ को भेजता हूँ, गार्ड को भेजता हूँ, यहाँ तक कि परसों की जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग के साथ SP महोदय से हमने 2 कांस्टेबल भी मांगा है कि उनके रहने पर थोड़ा असर पड़ेगा, और उसके लिए पूरी कोशिश कराई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है, ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ गुवाक्टा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्नातक स्तर पर शिक्षक कर रहे अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों की शोध निर्देश बनाए जाने की मांग व वर्तमान कुलपति द्वारा नए शिक्षक जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होकर महाविद्यालय में सेवारत हैं 3 साल के अवकाश लेकर शोध करने के नियम बनाए जाने के विरोध में 7 अप्रैल बुधवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पर सामूहिक अवकाश पर रहते हुए धरना देंगे। उक्त जानकारी गुवाक्टा के अध्यक्ष KD तिवारी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। 2020 से एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक काउंसिल से पास होने के बाद स्नातक स्तर के शिक्षकों के लिए शोध निर्देशन का मामला विश्वविद्यालय के कुलपति के पास ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन आयोजित करने जा रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए, माने जाने पर हम लोग परीक्षाओं से बहिष्कार, मूल्यांकन से बहिष्कार, प्रयोगात्मक कार्यों से बहिष्कार, मौखिकी से बहिष्कार,
मॉडरेशन से बचकर हर प्रकार का असहयोग विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ करने के लिए हम लोग फिर संकल्पित हैं। पिछले दिनों गगहा में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर आज अपने परिवारजनों के साथ गोरखपुर आई एक महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके परिवार के लोगों को जबरन फंसाया जा रहा है। मीडिया से मुखातिब पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के 6 लोगों को पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठाया है और हत्या में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं और हम सभी एक ही ग्राम सभा के निवासी हैं। एक महिला प्रियमदा ने बताया कि मेरे पति को पुलिस ने धोखे से थाने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। 2 तारीख की रात मेरे पति घर पर ही थे, तभी उनके मोबाइल पर फोन आया और उन्हें थाने बुलाया गया। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें वहीं बैठा लिया। किसी तरह मेरे पति ने घर वालों को सूचना दी कि उन्हें बहुत मारा पीटा गया है और गगहा हत्याकांड में शामिल होने की बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। परिवार के लोग जब थाने पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने छोड़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर सभी ने आज मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि हमें और हमारे परिवार को अपनी पुलिस से बचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनके क्षेत्र में ये अन्याय हो रहा है कि बेकसूर लोगों को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड अभिषेक सिंह जो कि 10 मार्च को जो रितेश मौर्य हत्याकांड हुआ उस समय बैठकर वो खाना खा रहे थे और उसके बाद 31 मार्च को जो ये 2 हत्याकांड हुआ है उस टाइम भी वो घर पर ही थे। मेरे आंखों के सामने उनके मोबाइल से मैं किसी से बात कर रही थी, तब तक मुझे लोगों ने बताया कि हत्या हो गई। मैंने फटाक से उन्हीं के नंबर से मैं बात कर रही थी। हाँ, और इसमें फंसाया जा रहा है कि इन लोगों ने ये कांड किया है और वो घर पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, दिल्ली फतह के बाद आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधिकार काफ़ी बढ़ा है, जिसको लेकर संत कबीर नगर जिले में आम आदमी पार्टी ने अपने 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जबकि मौके पर बसपा से 15 वर्षों तक लगातार सेवा करने वाले नेता राघवेंद्र पांडे ने आज बसपा छोड़ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। संत कबीर नगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजनीतिक दलों के लोग काफी सक्रिय हो गए हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने आज 29 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि जिले में जिला पंचायत सदस्यों की कुल सीटें 30 हैं। वहीं राघवेंद्र पांडे की पत्नी वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रंजना पांडे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी और दिल्ली मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश में केवल अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सपा बसपा की तरह आम आदमी पार्टी को भी कुचलना चाहती है। ये समझती है कि जैसे जैसे सपा और बसपा घोटाले किए हुए हैं और उनका चिट्ठा पट्टा खोल करके योगी सरकार उन्हें दबाने का काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साफ सुथरी छवि की है। जब से आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया कि आम आदमी पार्टी जिला पंचायत के सभी सीटों पर और आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ेगी, ये समझ रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जिनका पहले से भ्रष्टाचार का एक पुराना सिलसिला रहा है, उनको मुकदमे लगा करके उनके फाइलें खोल करके डरा दिया जाएगा। हमारे नेता पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14-14 मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने वाले राघवेंद्र पांडे ने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है। पैसा ना होने के कारण इस बार महिला सीट आने और सम्मान्य होने के बावजूद भी उन्हें पार्टी ने नकार दिया। ऐसे में पार्टी में बने रहने की आवश्यकता नहीं है। कि मैं 12 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा तो मैं किस मुँह से किसी ब्राह्मण को जोड़ने का काम कर पाऊंगा और ब्राह्मण को मुझसे क्या उम्मीद रह जाएगी कि तुम क्या पाए। पर एक समय ऐसा आया कि लास्ट समय तक कहते कहते एक समय ऐसा आ गया कि पता नहीं लक्ष्मी माता का कौन सा ऐसा प्रकोप चला कि पार्टी इतनी भूखी हो गई कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो बहुजन समाज पार्टी का इतना पुराना था और 2022 का सामने इलेक्शन है, विधानसभा मेरी सुरक्षित है, धनघटा विधानसभा 314 है और संत कबीर नगर जिले की एक ऐसी रीढ़ वो मेरा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र जहाँ से ब्राह्मणों की राजनीति शुरू होती है, जहाँ पर 25 गांव ग्राम पंचायतें ब्राह्मण की हैं, जहां पर 6.5 से 7 हज़ार ब्राह्मणों के वोट पोल होते हैं, ऐसे बेटे को टिकट ना दे करके पार्टी साबित कर दी है बहुजन समाज पार्टी कि उसे किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है।
बलिया जनपद में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही से कुछ ही मिनटों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मामला जनपद के थाना रेवती क्षेत्र की खरिका भैंसहा गांव का है। गेहूं की फसल के ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहा था, जिससे आपस में टकराने के बाद निकली चिंगारी से 10 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के बाद पहुंची, जिससे एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा चढ़ गया। लेकिन वहां मौजूद संभ्रांत लोगों ने किसी तरह मामले को समझा बुझाकर शांत किया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है होली का धमाकेदार ऑफर, बिग होली सेल। शुगर चिली अब आ गया है आपके घर तक। घर बैठे ही पाइए आटा, बेसन, दलिया, मैदा, सूजी के हर तरह के सामानों में 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्द अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से शुगर एंड चिली ऐप डाउनलोड करें और पाएं आकर्षक इनाम। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम ग्लोशाइन बोर्ड एंड फिनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा LED पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सॉल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर जनपद के बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सोमवार को ऋषि मुनि महर्षि कश्यप व महाराज निषादराज गुहा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राम भुवाल निषाद, पूर्व विधायक राजमती निषाद, पूर्व विधायक अमरेंद्र निषाद, जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक यादव सहित समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि कश्यप व महाराजा निषादराज गुहा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर किया गया। इस अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष सपा राम नगीना साहनी ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि निषादराज गुहा निषाद समाज से सिंगरपुर के चक्रवर्ती राजा थे। महामुनि महर्षि कश्यप जी की जयंती है और निषादों के राजा जो एक समय में चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, महाराजा निषाद राजगुह जी की भी जयंती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर कार्यालय पर महाराजा निषाद राजगुह की जयंती हम लोग मना रहे हैं। महाराजा निषाद राजगुह जी श्रृंगेरपुर के राजा थे और चक्रवर्ती राजा थे। आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी थी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने महाराजा निषाद राजगुह जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन छुट्टी करने का काम किए थे। यूपी के संतकबीरनगर जिले के अधिकांश गांवों में मतदाता सूची में नाम गायब होने के बाद नाराज मतदाताओं ने सैकड़ों से अधिक की संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर घेराव करते हुए जिलाधिकारी पृथ्वी को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि संतकबीरनगर जिले में स्त्री पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में 15 अप्रैल को ग्राम प्रधान सदस्य, VDC और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना तय हुआ है, लेकिन मतदाता सूची जारी होने के बाद बरगदवा माफी, देवरियालाल, सिसवा पठान, हकीम राय सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है, जिससे मतदाता काफ़ी परेशान हैं और उन्हें यह है कि कहीं ऐसा न हो कि इस चुनाव में वह अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित हो जाए, जिसको लेकर के नाराज मतदाताओं ने आज खलीलाबाद कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंप कर मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ाने की मांग की है। ये हमारे ग्राम सभा सिसवा पठान के राजस्व गांव बभनी बौरा के लोग हैं और ये महिलाएं जो गाँव में रहती हैं, इनका 2020 की उसमें नामावली में नाम है, उसके बाद जो नई लिस्ट 21 में आई उसमें इनका नाम काट दिया गया। हम लोगों ने उसके नाम बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया। माननीय SDM साहब के आदेशानुसार कानको और लेखपाल दोनों ने जा कर के उस पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन लोगों को सही मतदाता पाया। उसके बावजूद भी हमारी आखिरी लिस्ट में नाम नहीं आया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग का वोटर लिस्ट से नाम निकाल कर अपमार्जन में कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। DM
एसडीएम के पास भी गए, डीएम के पास कोई सुनवाई नहीं हम लोग की हो रही है। यही कहा जा रहा है कि आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम नहीं बढ़ सकता है। हम लोग हैरान परेशान हैं और दौड़ रहे हैं इधर उधर, और लास्ट के दिन हम जब लोग पर्चा दाखिला हुआ तो उस दिन हम लोग वोटर लिस्ट निकाले और लास्ट समय तक हम लोग का नाम वोटर लिस्ट में था। उसके बाद में हम लोग देखें अपमार्जन में हम लोग का नाम निकाल दिया गया है। अरबाज खान की मौत डूबने से हुई या साजिश के तहत उसे मारा गया, यह एक बड़ा सवाल है। गिडा थाना क्षेत्र के बरहुआ निवासी फरीदा खातून मृतक की माँ है। माँ ने बताया कि 3 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरा एकमात्र सहारा मेरा 16 वर्षीय बेटा अरबाज था, जिसे साजिश के तहत पानी में डुबोकर मार दिया गया। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। हत्यारोपियों ने 1 वर्ष पूर्व ही खुलेआम मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल मामला हत्या और दुर्घटना के बीच फंसा है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले से पर्दा उठेगा। मीडिया से बात करते हुए मृतक बच्चे की मौसी ममिना खातून ने बताया कि 31 मार्च को रंजिशवश अरबाज खान को गांव के ही कुछ लोग बहला फुसलाकर नदी में नहाने के लिए ले जा रहे थे, जबकि वह ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। सत घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।